तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे एक्सेल के अंदर पिवट टेबल में। जी हाँ, एडवांस एक्सेल के अंदर हम पिवट टेबल के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और लकीकांत जी आप हमारे साथ हैं, आपको मैं रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया है, प्लीज रिकॉर्ड कर ले सेशन को। पिवट टेबल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एक्सेल का। क्यों? तो यानी आप ऑफिस में एक्सेल के अंदर करेंगे क्या, हम रिपोर्ट तैयार करते हैं ना। रिपोर्ट का अगर डेफिनेशन देखा जाए क्या होता है, द समरी ऑफ द डेटा। अब उसे बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हैं, उसका बेस क्या होता है। जैसे आपने मंथली सेल्स रिपोर्ट बनाया तो आपने पर डे के सेल्स को मंथ वाइज टोटल कर लिया ना, उसके बाद बाकी जो कैलकुलेशन करना है कर सकते हो। तो मंथली सेल्स रिपोर्ट आपका होता है समरी ऑफ द डेटा, और डेटा क्या होता है, क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब रिपोर्ट बनाते हैं वो थोड़ा ज्यादा किसी न किसी डेटा का समराइज ही होता है। हम बात करते हैं पिवट टेबल की डेफिनेशन कि पिवट टेबल क्या करता है। हम कह सकते हैं वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो हम पिवट टेबल के जरिए डेटा को एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके ऑफिस में 60-70% रिपोर्ट ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा या बहुत पिवट का यूज होता होगा। सो पिवट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिवट टेबल को समझने से पहले आपको समझना होगा डेटा को, क्योंकि डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं तो डेटा को समझना होगा। तो मेरे सामने डेटा है, सिंपल से देखिए इसमें सेल्स की आईडी है, किस डेट को सेल्स हुआ है, सेल्स का मोड क्या है, किस कस्टमर को, कस्टमर का नाम क्या है, किस स्टेट में, किस सिटी में, प्रोडक्ट की आईडी क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी में है, किस अमाउंट से है, टोटल टैक्स कितना है, टोटल कितना है, इसके लिए कितने कॉल्स किए गए हैं और किस साइट से सेल किया गया है। सिंपल समझ गया। तो ये सेल्स डेटा है। अब इसमें दो चीज जाननी होगी, पहली चीज आपका डेटा क्या है और आपको इससे क्या चाहिए। तो मुझे सिंपल सा पता करना है, सिंपल सा पता करना है कि नेम वाइज टोटल क्वांटिटी में किस कस्टमर ने हमारा कितनी क्वांटिटी परचेज किया है, मुझे एक समरी चाहिए। मैं ओवरऑल डेटा सेल्स का है, मुझे पता करना है कि अभी तक किस कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी को किया है, परचेज किया है या हमने इसको सेल किया है। सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे जब जितना बार ऑर्डर दिया गया है सारे ऑर्डर पे डिटेल मिला हुआ है, साइड में सेल्स आईडी है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है, एक कस्टमर ने कई बार, एक दिन में कई बार या महीने में कई बार ऑर्डर किया है। तो इसके लिए हम पिवट लगाएंगे, बट पिवट लगाने से पहले दो चीजें और देखना होगा कि आपका डेटा ऊपर का जो हेडिंग है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, डेटा में कहीं पूरा का पूरा रो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। इस तरह से रो ब्लैंक है तो पिवट लगेगा लेकिन आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो क्योंकि पिवट जो है डायरेक्टली कंट्रोल ए को ट्रिगर करता है और इस डेटा को ले लेता है। वो बात कीजिए ना तुम्हें। तो मैंने इसको डिलीट किया, सिलेक्ट इंसर्ट पिवट टेबल, देन ओके। मैं दोबारा बताता हूं मैंने कैसे पिवट लगाया। तो आपको बस कहीं डेटा को रखना है, इंसर्ट मेनू बार में जाना है, पिवट टेबल पे क्लिक करना है। इसमें और भी फीचर है लेकिन आपको सिर्फ जस्ट ओके पे क्लिक करते एक नई सीट खुल जाएगी। अब पिवट टेबल में कुछ नहीं, आपके डेटा में जो फील्ड थे ना वो फील्ड आपको यहाँ पे आ गए। इन फील्ड को उठा के इन चार खानों में रखना है और जैसे जैसे रखेंगे यहाँ पे आपकी रिपोर्ट बनती चली जाएगी। तो हमें रिपोर्ट क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि किस कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो हम यहाँ कस्टमर को उठाते हैं, कस्टमर नेम को उठाते हैं और इसमें रख देते हैं रो में, रख देते हैं रो में, रखते हैं जितने भी नाम है यहाँ पे आ गए। अब यहाँ डेटा में एक नाम कई बार हो सकता है बट हमारा रिपोर्ट में यहाँ पे एक नाम सिर्फ एक बार आया, यूनिक आया। उसके बाद मुझे चाहिए क्वांटिटी का टोटल। देखिए इसको रो में भी रख सकते हैं, कॉलम में रख सकते हैं, कॉलम में रखेंगे तो कॉलम वाइज आएगा, रो में रखेंगे तो रो वाइज आएगा। तो बेसिकली हम रो वाइज ही रिपोर्ट को तैयार करते हैं।
अब मुझे चाहिए क्वांटिटी का टोटल, तो मैं यहां से ड्रॉप डाउन करता हूं, स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहां से एक क्वांटिटी हुआ, क्वांटिटी भी क्लिक किया और क्लिक करते हुए मैंने इसको माउस को ड्रैग करके वैल्यू में ड्रॉप कर दिया, तो यहां बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी आता टोटल सम आ गया। लेकिन हो सकता है कि डायरेक्ट डिफॉल्ट सम ना आए, काउंट आ जाए, तो यहाँ जो साइड में जो एक छोटा सा एरो निशान दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ दिखेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसपे क्लिक करेंगे और यहां से आप करेंगे सम काउंट मिनिमम एवरेज क्या है सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ, अब मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे रो लेवल है इसको मैं कर देता हूँ नेम, सम ऑफ क्वांटिटी को हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल ऑर्डर। अभी हो गया, पता करना है यहाँ पे हो गया, अब मुझे ये पता करना है कि अमाउंट, मतलब ये जो अमाउंट दिख रहा है इसको हम एमआरपी कह सकते हैं, तो मतलब कि पूजा ने 22,139 क्वांटिटी को ऑर्डर किया है किस रेट पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे डेटा में हर ऑर्डर पे अलग अलग रेट है, इसको एमआरपी कह सकते हैं हम यहाँ पे, रेट कह सकते हैं, अलग अलग रेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एवरेज निकाल लेता हूँ कि कितना एवरेज हुआ, जैसे मैथमेटिक्स आपने पढ़ा था एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइड बाय काउंट ऑफ द क्वांटिटी। तो मैं यहां से अमाउंट को उठाया और यहां यहां पे वैल्यू में छोड़ दिया, तो वैल्यू में जो भी हम डालते हैं क्या करते हैं कैलकुलेशन, जिसपे कैलकुलेशन करना उसी फील्ड को डाल देंगे, फिर सम अमाउंट को चेक करके यहाँ पे मैं एवरेज कर देता हूँ, एवरेज और अमाउंट आ गए। यहां पे हम कर देते हैं ए वी जी एम आर रे, और ये देखिए डॉलर साइन दिख रहा है, ये बहुत सारा बड़ा डेसिमल्स आ गए हैं, तो यहाँ होम मेनू बार के अंदर यहाँ पे आपके साथ डेसिमल्स हटाने और बढ़ाने का सिस्टम होता है, अब कर सकते हैं। मतलब कि पूजा ने 22,139 पीस 324.43 की एवरेज रेट पे परचेज किया। तो इसी तरह से और भी फील्ड आप ऐड कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, तो टोटल हम यहाँ रख देते हैं भाई, टोटल इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आया, रेवेन्यू पैसा होता है, आ गया सर, इस तरह से चीजें कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग आती है, क्योंकि रिपोर्ट बन गई है तो ऐसे तो भेजेगा नहीं, तो ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो जनरली जो हम फॉर्मेट करते हैं यहाँ से कर सकते हैं कि भाई यहाँ से हम कलर कर देंगे, यहाँ से हम बॉर्डर कर देंगे, फॉन्ट वगैरह चेंज कर देंगे, ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन हम जो है यहाँ पिवट टेबल डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से हम अपने फॉर्मेट को पिक करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप करेंगे तो दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि जो रिपोर्ट बना है रिपोर्ट आपका लिंक है डेटा से, कल के डेट में डेटा चेंज होगा तो हो सकता है कि नाम कुछ ज्यादा आ जाए तो 12 का जवाब ये आपका 20 तक चला जाए, या फिर हो सकता है नाम कम जाए तो 8 पे चला जाए, तो आपका पिवट ऊपर नीचे होगा, फॉर्मेट ऊपर नीचे नहीं होगा, समझे सर, तो फॉर्मेट हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा, बाकी सब ऊपर नीचे होगा, इसलिए हम इस चीज को बोल रहे हैं, राइट। किस तरह से फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। दूसरा, अगर विजुलाइजेशन तैयार करना, जैसे मुझे चाहिए डेट वाइज, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या फ्लो क्या है सेल्स का, सेल्स का फ्लो क्या है, तो आप इसको इंसर्ट करते हैं। हमने क्या किया, डेट को उठाया रो में रखा, लेकिन डेट को रो पर रखेंगे तो इस तरह से मंथ वाइज आ जाता है, अपने आप आ जाएगा। फिर क्वांटिटी को उठाया और यहाँ पर ऊपर पिवट टेबल एनालाइज में ही यहाँ पर होता है पिवट चार्ट, हमने यहाँ पे लाइन चार्ट को कनेक्ट करेंगे, तो फ्लो तो लाइन चार्ट से देखा जाता है ना सर, लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट की भी अपनी एक फॉर्मेट है, यहाँ फॉर्मेट इस पे डिजाइन है, अब अपने हिसाब से कोई अच्छा डिजाइन ले सकते हैं, तो मैं जनरली इसको ले लिया, ये फ्लो पता चल रहा है ना सर, ये हमारा मंथली है क्योंकि डेट को पिवट ने ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया। अब टोटल के जगह पे हम यहां कर सकते हैं सेल्स
कॉलम है जिसे मैंने रखा तो यहाँ पे क्लास का सैंपल होना बना हुआ है, इसको क्लास और एक्सटेंड बोला जाता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मंथ वाइज आएगा, या देखिए मंथली फ्लो आ गया आपका। ऐसे आप इस तरह से मंथ वाइज कर सकते हैं। अब मुझे नहीं, मुझे मंथ वाइज नहीं, मुझे डेट वाइज ही चाहिए। राइट क्लिक कीजिए और यहां पे आता है अनग्रुप का ऑप्शन। जो ये जो है ग्रुप हो गया, अनग्रुप का ऑप्शन करेंगे तो ये आपका डेट वाइज, लेकिन चार्ट गड़बड़ हो गए क्योंकि चार्ट की विजुलाइजेशन की एक लिमिट होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको डिजाइन में इसमें आइए और इसमें डिजाइन सिंपल लाइन ले लीजिए, इसमें माउंट फिगर ना हो। ठीक है, तो ये सेल्स फ्लो हमारा डूब जा रहा है, किसी दिन नीचे भी गया, जीरो से नीचे भी गया, किसी दिन ऊपर भी गया, ये सेल्स फ्लो पता चल जाता है क्या चल रहा है। मतलब सेल्स हमारा जो है वो 1000 के आसपास आया, 1500 क्रॉस नहीं किया, पता चल रहा है ना सर इससे। तो हम इस तरह के चार्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, समझने के लिए, क्योंकि इस डेटा पे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पूरा डेटा देखना पड़ेगा ना। बट आ रहा है कि मेरा सेल्स जो है 1500 के नीचे ही रहता है, कभी कभी तो माइनस रिटर्न ज्यादा हुआ है, मैंने इसमें चला दिया, मतलब कि आसपास। और इससे आगे क्लासेस में और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा आपको, ताकि ओके तो आपको टेबल फॉर्मेट में डेटा बना के भेजना है किसी को मेल, तो उस फॉर्मेट में भेज सकते हैं। आपको विजुलाइजेशन चाहिए, चार्ट पर लगाना है तो लगा के भेज सकते हैं, डिपेंड करता है। देखिए मुझे टू क्राइटेरिया चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि किस कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर किया है, क्या इसमें हम पिवट टेबल पर आते हैं और यहां हम देते हैं अपना नेम, नेम उठाया रो में रखा और अपनी क्वांटिटी को उठाया, क्वांटिटी को टोटल करना था हमेशा इसमें रखेंगे। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट को उठाकर हमने कॉलम में रख दिया, तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो इससे पता चल रहा है कि पूजा ने टोटल 22,139 किया है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखिए। ठीक है सर, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आप कॉलन में उसी फील्ड को रखेंगे जिसके आइटम कम हो। जैसे प्रोडक्ट आप मेरे पास देखे कम प्रोडक्ट है ना, अगर यही मान लीजिए कि 10-20,000 होता या 100 ही होता तो काफी प्रॉब्लम होती, काफी बड़ा हो जाता, क्योंकि तो ऊपर से नीचे नेविगेट करना आसान होता है, लेफ्ट राइट मुश्किल होता है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट उठाते और सब हेडिंग कर देते इस तरह से कि पूजा और इसके सिटी, और ये ड्रॉप बॉक्स दिख रहा है एक्सपेंड और कलैप्स है, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां आप जो है एनालाइज में आके एक साथ सब कलैप्स कर सकते हो, यहां से एक्सपेंड कर सकते हो, कलैप्स एक्सपेंड कलैप्स एक्सपेंड। ओके इस तरह से चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो मैंने वीडियो भेजी है उसको देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ सर।